हेलो एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हेलो सलाम नमस्ते आदाब कैसे हैं सभी लोग हाउ आर यू ऑल हाउ आर यू ऑल कैसे हो सभी लोग मशीन डिजाइन में बहुत ही तड़कता भड़कता टॉपिक चल रहा है दैट इज वेल्डेड वेल्डेड और में हमने बात किया था स्टार्टिंग कर दिया था वेल्डेड ज्वाइंट का और आज है पार्ट टू हम बात कर रहे थे बेटा पैरल प्लेट लेफ्ट ज्वाइंट की जिसके अंदर हमने वेल्डिंग करके देख लिया था क्या चल रहा है कैसे चल रहा है आफ्टर दैट आज जो हमें बात करनी है बेटा पैरल फिलेट के बाद आज हम बात करेंगे ट्रांसवर्स फिलेट की और देखना है कि ट्रांसफर्स फिलेट में ऐसा क्या होता है कि एंगल चेंज हो जाता है क्योंकि पैरल फिलेट में तो 45 डिग्री पे लोड लगा था हां सर 45 डिग्री कल एंगल निकाल के दिखाया था आपको नाउ माय डियर फ्रेंड आज हम बात करेंगे ट्रांसफर फिलेट की तो चलिए शुरुआत करते हैं सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल गुड मॉर्निंग एवरी आशा करता हूं आप सभी लोग

Heart and soul of mechanical engineering. अगर मैं मैं बात करना चाहूं, strength of material, machine design और जैसे शानदार इसी के साथ साथ जो कि में ज़्यादा पूछा जाता है ये सारे सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ और मेरे प्यारे भाइयों इसी के साथ साथ आप सभी लोग मुझे आलोक लाइव के नाम से जानते हो क्या है ये आलोक लाइव आलोक लाइव क्या है अगर आप लेना चाहते हो प्लस आइकोनिक पे कोई भी सब्सक्रिप्शन

यहाँ टोन चल ही रहा है कंटिन्यूस 1:30 थर्टी पी एम पे वन थर्टी पीएम पे और आज आज का दिन याद रखना सभी लोग इतिहास में आज का दिन सभी लोग याद रखेंगे आज है 14 जुलाई और 14 जुलाई को आज एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है न्यू बैच ठीक है ना न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है मेरे बच्चों ध्यान से नाइज अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलते हैं पर्सनल कोच आपको मिलते हैं स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस सेट स्टडी बूस्टर सेशन टेस्ट एनालिसिस इतनी सारी चीजें इसके साथ टोटल टेस्ट ठीक है ना छिहत्तर टेस्ट बेटा आपको पता है ये सारी चीजें कितने रुपए में है अरे सर ये तो बहुत सस्ता है सत्ताईस हजार रुपए में एक साल का और उनतालीस हजार थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपीज में टू ईयर का सर उसमें भी ऑफर है क्या अरे बहुत बड़ा ऑफर आया अभी बताता हूं मैं लाइव टेस्ट सीरीज डिजिटल नोट्स ये था तो मिलेगा ही एक मैजिकल कोड लगाने पर ये सब एक कोड लगाने मिलेगा दट इज आलोक लोक लाइफ ध्यान रखिएगा एंड थ्यूरी ऑफ मशीन ये मैंने स्टार्ट किया प्लस के प्लेटफॉर्म पर यू कैन सी दिस नाउ माई डियर फ्रेंड अगर बात करना चाहो अनएकेडमी लर्निंग एप ठीक है ना तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं लर्निंग

ठीक है अनअकेडमिक कॉम्बेट में ज्वाइन करते समय डिफरेंट डिफरेंट रैंक में डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स मिलते हैं ठीक है ना देन माइ डियर फ्रेंड ऑफर अलर्ट आप लोगों को बता दू ठीक ना ये सारे ऑफर्स अभी चल रहे हैं अगर आप ऑफर में ज्वाइन करना चाहते हो ये सारे ऑफर चल रहे हैं फिर से दोबारा ये सारे ऑफर आए हुए हैं यू कैन सी दिस ऑफर अलर्ट मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा ध्यान सुनना अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो चौदह तारीख कब है सर आज है आज रात तक के लिए वैलिड है अगर आप लेना चाहते हो तो आज रात तक के लिए वैलिड है डियर ऑन परचेज ऑफ 12, 18 और 24 फोर मंथ सब्सक्रिप्शन आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लो 12, 18 और 24 का ठीक है ना तीन महीने छह महीने का नहीं 12 महीने 18 महीने 24 महीने का तो आपको गेट थ्री मंथ ऑफ कैंपस प्लेसमेंट आई जॉब आपको इसके साथ ये चीज भी मिलेगा ठीक ना इसके साथ ये मिलेगा और मेरी बात सुनो कॉम्बो ऑफर जो चल रहा है कॉम्बो ऑफर की ही बात सुन लो कॉम्बो ऑफर में आपको जो है बेटा वो जो है मैं आपको जो बता रहा हूं कोई भी ब्रांच के हो इसके साथ साथ जो कैंपस प्लेसमेंट मिलेगा उसके अंदर आपको रीजनिंग वर्बल एबिलिटी रीजनिंग एबिलिटी न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको आप एप्टीट्यूड कहते हो कोडिंग स्किल प्रोग्रामिंग ये सारी चीजें जो एक एक, एक प्राइवेट नौकरी में जो आप प्राइवेट जॉब करते हो किसी भी कंपनी में तो आप वहां ऐसी जरूरत होती है ठीक ना ध्यान रखिएगा टोटल ये अगर मैं बात करना चाहूँ टोटल वैल्यू प्राइस अगर देखोगे तो कितनी ज्यादा ज्यादा है ठीक है ना ये आपको मिल रहा है आपके फाइनल सब्सक्रिप्शन में ठीक है ना अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ फटाफट कर सकते हो ठीक है ना ये ऑफर ये ऑफर दोबारा नहीं आएगा मैं फिर से बता रहा हूँ आज आपने अगर सब्सक्रिप्शन लिया ठीक है ना अगर आज आपने सब्सक्रिप्शन लिया ई कर लो ज्यादा अच्छा अगर दिक्कत है ई में तो उसके आगे भी एक सोर्स है बेटा ई में दिक्कत है स्टूडेंट लोन लेके आप कर सकते हो बेटा ठीक है ना अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप एक बार बता सकते हो ठीक ना आप आराम से सब्सक्रिप्शन ले सकते हो आप ई के थ्रू ठीक है ना सो so, मेरे प्यारे भाइयों आप बहुत ही आसानी से एक ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है ना अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत हो ई में तो वो एक बार मतलब डाउट के लिए आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो अगर कहीं भी दिक्कत हो ठीक ना आप हमें ज्वाइन कर सकते हो यू कैन सी दिस आलोक लाइव कोड लगाना है और अनकेडमी पे जाना वहां मुझे मैसेज कर सकते हो या टेलीग्राम अनकेडमी का जो टेलीग्राम है आलोक लाइव का उस उसपे जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो कोई भी डाउट हो तो ठीक है ना टोटल 76 टेस्ट दिए गए हैं बेटा आप देख सकते हो ये टेस्ट सीरीज के पूरे डेट बाई डे डे बाई डे आप लोगों को टेस्ट सीरीज दिखाया जाता है ठीक है ना हाँ आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है जी सुनिएगा ध्यान से एक बहुत ही खतरनाक सरप्राइज है एक बहुत ही खतरनाक सरप्राइज है आप लोगों के लिए सरप्राइज सुनना चाहते हो एक बहुत ही खतरनाक सरप्राइज है ध्यान रखिएगा एक बहुत ही खतरनाक सरप्राइज है आप लोगों के लिए सरप्राइज है ये महा 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 रिवीजन महा रिवीजन होने वाला है गियर एंड गियर ट्रेन का महा रिवीजन लेकर आ रहा हूं मैं गियर एंड गियर ट्रेन का महा रिवीजन महा रिवीजन लेकर आ रहा हूं मैं कब सर अरे दादा फ्राइडे फ्राइडे मतलब कल नहीं परसों रात में दस बजे टेन पीएम कितने बजे रात में दस बजे टेन पी एम महाजन लेकर आ रहा हूं मैं फ्राइडे रात में दस बजे अच्छा देन सर एक क्लास में तो खत्म नहीं हो पाएगा जी इसीलिए सैटरडे की जो सारी क्लासेस है ना वो महा के थ्रू ही सैटरडे को मैं और दो क्लासेस लूंगा क्योंकि संडे को बहुत सारे बच्चों का आई का भी पेपर है बहुत सारे बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं जिनको रिविजन की भी बहुत जरूरत है तो मैंने सोचा फ्राइडे और सैटरडे का पूरा दिन अपन रिविजन करेंगे इस बार ठीक है ना फ्राइडे और सैटरडे का पूरा दिन पूर, पूरा दिन का मतलब सर बेटा एक बजे दिन में बजे दो सेशन चलेगा सैटरडे को भी टोटल तीन सेशन लगेगा गियर गियर एंड ट्रेन खत्म होने में तो डियर इसके अंदर आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा जो रिविजन कराया जाएगा उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए महा रिविजन फ्राइडे आ रहा है रात में दस बजे ठीक है ध्यान रखिएगा चलिए शुरुआत करते हैं बेटा तो हमने कुछ चीजें आपको बताई थी कि वेल्डिंग एक परमानेंट ज्वाइंट है ठीक है ना एक फिलर मटेरियल हम लोग फिल कर देते हैं और बड़े आसानी से हम लोग क्या करते हैं ज्वाइंट कर देते हैं देन मैंने कुछ एडवांटेज बताए थे वेल्डिंग के कि एक एक जो बहुत खतरनाक है वो है वेल्डेड ज्वाइंट का मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना हंड्रेड है ना और आप देख सकते हो वेल्डिंग टेक्स प्लस लेस देन लेस टाइम वेल्डिंग करते समय कम समय लगता है रिविटिंग करने से ठीक है ना तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है पिछली क्लासेस में डिसडवाज में बस एक चीज ध्यान रखिएगा अगर हाईली स्किल्ड लेबर है तो आपका कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा बेटा क्योंकि अगर टेढ़ा मेढ़ा लेबर लाओगे तो ऐसे ही दिक्कत होगा ऐसे ही पता चले आग मुंह पे लग जाए तो इसके लिए ये चीजें मैंने आपको बताई थी लास्ट टाइम टाइप्स ऑफ वेल्डेड ज्वाइंट दिखाया था ठीक है थ्री में भी दिखाया था ये बताया था कि एल एल इज द लेंथ वेल्ड लेंथ लेंथ ऑफ वेल्ड लेफ्ट ज्वाइंट में दिखाया था मैंने आपको कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर आता है और यहाँ हम लोग क्या करते हैं लैपिंग करके कर देते हैं जैसे बताया था ना एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट ऐसे लैपिंग कर देते हैं ठीक है दिस इज द लेंथ ऑफ वेल्ड फिर यहां मैंने आपको दिखाया था देखो वेल्टेड ज्वाइंट तो दो टाइप का था एक लेफ्ट ज्वाइंट एक बर्ड ज्वाइंट ठीक है ना लेफ्ट ज्वाइंट को दो टाइप में वो थोड़ा फिलेट भी कहते हैं उसको तो वो पैरल फिलेट एक ट्रांसवर्स फिलेट ठीक है ना तो यहाँ से निकल के आया सबसे पहले मैंने आपको पैरल फिलेट लेफ्ट ज्वाइंट दिखाया

तो ये दोनों बराबर होना चाहिए इसलिए दोनों का नाम ऐसा रख दिया कोई दिक्कत नहीं स्ट्रेंथ क्या होता है लोड बराबर स्ट्रेस इंटू फेलियर एरिया यही तो होता है जी सर अब मैटर करता है वॉट इज फेलियर एरिया व्हाट इज फेलियर एरिया अगर मैं देखूं इस ट्राइंगल के अंदर इस ट्राइंगल के अंदर, के अंदर ये, 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 ये ये सबसे छोटा लेंथ कौन सा है सर ये छोटा लेंथ जिसको हमने कहा टी टी क्या होता है सर थ्रोट थिकनेस दिस इज द मिनिमम थिकनेस मिनिमम ठीक है ना ध्यान रखिएगा और यही हमारा क्या बनता है बेटा मिनिमम एरिया बनता है और जहां मिनिमम एरिया बनेगा वेल्डिंग वहीं से टूटेगी ध्यान रखिएगा तो फेलियर एरिया यहीं से बनेगा अगर मैं ये टी है और इसको पीछे की ओर लेंथ ऑफ वेल्ड में देखूं क्यों तो इंटू एल का एरिया मिल रहा था रेक्टेंगल सरफेस फेलियर एरिया टी इंटू एल एल क्या है लेंथ ऑफ वेल्ड ठीक है ना देन मैंने आपको ये बताया कि ये एंगल कितना होगा ये एंगल मैंने आपको निकाल के दिखाना चाहा सॉरी ये एंगल थीटा और ये कैसे होगा क्या होगा ये हमें पता था पैतालीस पे गिरा है पैतालीस पे क्योंकि देखो ना हमें होगा ए बी सी तीनों का समय सो अस्सी है तो बी क्या होगा एक सौ अस्सी माइनस पैतालीस प्लस थीटा एक सो अस्सी में से इन दोनों घटा दो देन इसके बाद मैंने क्या करा साइन रूल लगाया तीनों एंगल नाम पता चल गया साइन रूल लगा दिया

45 45 45 तीनों की वैल्यू रख दो क्या होती है 1/√2 1/√2 1/√2 कट जाएगा जी सर कट जाएगा तो s/sin थीटा cos थीटा t s/sin थीटा cos थीटा एक ऐसा रिलेशन निकल के आया कि तो तुम किसी भी एंगल पे पूछना चाहोगे t को s से रिलेट करना चाहोगे फटाक से कर दोगे बहुत आसान बहुत शानदार फॉर्मूला. है ठीक ना फिर मैंने क्या करा कि

अगर थीटा पैतालीस ये 45 पैता तो जाहिर सी बात है ये कितना होगा नब्बे क्योंकि तीनों का सम कितना होना चाहिए एक हमने प्रूफ कर लिया नब्बे अब देखो ध्यान से सेरिया क्या, क्या है टी इन टू एल का ये भी अभी दिखाया था देखो फेलियर एरिया क्या है टी इंटू एल ठीक है भाई टी की जगह क्या रख सकते हैं सर एसॉन साइन प्लस इंटू एल सर थीटा कितना होना चाहिए सर थीटा 45 डिग्री होना चाहिए 45 रख दिए बस सियरिंग स्ट्रेंथ यहां से हमने रखा ये वैल्यू रखा साइन पैतालीस प्लस पैतालीस आ गया सिंगल सीयर लैप ज्वाइंट क्या आ गया बेटा यहां से आ गया सिंगल सीयर लैप ज्वाइंट इसके बाद फॉर डबल सियरिंग के लिए मैंने क्या बताया टू इंटू दिस तो डबल सियरिंग हमने कर लिया तो सिंगल सियर डबल सियर यहां मैंने जैसे आपको समझाना चाहे देखो लैब ज्वाइंट सिंगल सियर होगा तो एक साइड होगा डबल सियर होगा तो दोनों साइड होगा ठीक है ना डबल सीयर होगा तो दोनों साइड होगा अच्छा सिंगल सीयर में ऐसा भी दिखता है हो सकता है फ्लैट में से ज्वाइंट किया हो इसके बारे में मैंने बोला था बताऊंगा अब बारी आई उसके बाद फिलेट की क्या होता है ये फिलेट ठीक है ना क्या होता है ये ट्रांसफर्स फिलेट लेफ्ट ज्वाइंट एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट रखा जी सर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोड एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द बिल्डिंग शुड बी परपेंडिकुलर पिछले वाले केस में क्या था पैरल बट इन दिस केस वी मैंने आपको बताया कि वेल्डिंग को ऐसे बना लो लोड ऐसे खींचो जब तुमने वेल्डिंग ऐसे की लोड ऐसे खींचा तो क्या हुआ सर ये रेड कलर का जो वेल्डेड पार्ट है इसके ऊपर क्या लगा बेटा इसके ऊपर लगा लोड इसके ऊपर क्या लगा बेटा इसके ऊपर लगा लोड बट मैंने यहां बोला कि फेलियर जो होगा के कारण होगा अरे ऐसे कैसे तो मैंने आपको स्टार मार्क किया था कि यह चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा ठीक है ना मैंने बताऊंगा तो ये आज मैं आपको बताऊंगा देखना चलो भाई तो ट्रांसफर लाइव पे आपको मैं लेकर चलता हूं है ना आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो सर कितने आवर का होगा बेटा ऑवर से तो हमको भी नहीं पता लेकिन तीन सेशन में हमको कंप्लीट करना है तुम्हारे लिए ठीक है ना अब ऑवर चाहे डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे का एक सेशन हो ठीक है ना वो हमारे ऊपर डिपेंड है ठीक है ना डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे का भी होगा तो कितना छह घंटे हो जाएंगे दो दो घंटे का ही मान लो तो छह घंटे में कंप्लीट बड़े ही आसानी से तो डिटेल मैनर में पढ़ा देंगे हम तो टेंशन ना लो पूरा गियर एंड गियर ट्रेन कंप्लीट करना एक बहुत बड़ी बात है तुम्हें तो पता है तीन सेशन के अंदर गियर एंड गियर ट्रेन कैसे कंप्लीट करेंगे चलो देखेंगे फ्राइडे को मिलते हैं ठीक है ना तो हम बात करते हैं बेटा ट्रांसवर्स फिलेट की हम बात करें बेटा ट्रांसवर्स फिलेट की देखो ध्यान से हम यहाँ क्या कह रहे हैं आपको कि एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट है और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोड एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेल्डिंग शुड बी परपेंडिकुलर ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई ठीक है चलिए आगे बढ़ा जाए अरे बाबा सभी लोग यार सेशन को लाइक शेयर करते रहो सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते रहो यार ठीक है चलो बेटा एक चीज और अगर मैं तुमसे पूछू जस्टर अगर मैं तुमसे पूछू बेटा ये ये क्या है ये क्या है यहां से लेकर यहां तक सर दिस इज द लेंथ ऑफ वेल्ड दिस इज लेंथ ऑफ वेल्ड यू कैन सी दिस ध्यान रखिएगा ओके नाउ माय डियर फ्रेंड इज वेल्ड अगर मैं इसको किसी भी साइड से लेट अस सपोज मैं इस साइड से लेट अस सपोज मैं इस साइड से देखूं आप किसी भी साइड से देखो आप किसी भी साइड से देखो आपको एक शेप दिखाई देगा आपको क्या दिखाई देगा एक शेप दिखाई देगा उस शेप को अगर आप सही से देखो उस शेप को आप सही से देखो तो वो शेप आपको कैसा दिखेगा फिलेट टाइप का फिलेट टाइप का यू कैन सी दिस ठीक है ना वो शेप आपको कैसा दिखेगा फिलेट टाइप का दिखेगा यू कैन सी दिस ध्यान से देखना ठीक है ना फिलेट टाइप का आपको शेप दिखेगा अच्छा वो शेप कैसा दिखेगा फिलेट टाइप का कैसा होगा वो शेप देखो मैं आपको दिखा ये ऐसा कुछ सेफ हमें देखने को मिलेगा डियर ठीक ना अगर आप वेल्डेड को देखो सही से तो ये हमारा ये होगा एस और ये होगा हमारा एस ठीक और ये हमारी वेल्डिंग होगी जी सर हमने आपको यहां क्या बताया था हमने आपको यहां बताया था ये हमारा पोर्शन कट हुआ यू कैन सी दिस हमने आपको यहां क्या बताया था हमने आपको बताया ये ये हिस्सा क्या होता है दिस इज री एनफोर्समेंट री क्या होता है बच्चा लोग सर री का मतलब होता है ये हमारी स्ट्रेंथ देगा ठीक है हमारा जो खेल होगा उतने में होगा जी सर बिल्कुल होगा अच्छा अब हमें एक चीज और पता है कि हमारा जो फेलियर जोन है हमारा जो फेलियर जोन है वो ये है हमारा जो फेलियर जोन है वो क्या है ये है बोलो हाँ या ना हमारा जो फेलियर जोन है वो ये है बिल्कुल सर दिस दिस इज व्हाट टी हमारा जो फेलियर जोन है दिस इज व्हाट दिस इज टी टी इज द थिकनेस टी इज द थिकनेस ओके सर इज द थिकनेस ओके सर टी है ना माइ डियर फ्रेंड अगर मैं बात करना चाहूं सुनना मेरी बात ध्यान से लोड ऐसे लग रहा है जी सर लोड कैसे लग रहा है यून लग रहा है जी सर बेटा थोड़ा ध्यान से देखो लोड लगेगा कैसे थोड़ा ध्यान से देखना ये एस प्लेट ऐसे है एस इज द प्लेट थिकनेस टी इज द थ्रोट थिकनेस हमारा लोड कैसे लग रहा है मैं आपको दिखाता हूँ एस को थोड़ा सा साइड करो हमारा लोड ऐसे लग रहा है ठीक है भाई ये भी पी ये भी पी जी सर सुनो मेरी बात ध्यान से पिछली बार लोड ऐसे नहीं लग रहा था पिछली बार लोड पैरल था बट इस बार जो लोड है वेल्डिंग के परपेंडिकुलर लगा है तो जरा ध्यान से अगर ये वेल्डेड पार्ट है तो वेल्डेड पार्ट को पकड़ के खींच रहा है पकड़ के खींच रहा है यू कैन सी दिस खींच रहा है जी सर तो वेल्डेड पार्ट को पकड़ के खींच रहा है मेरे भाई आप बताओ मेरे को ध्यान से देख के बताओ थोड़ा बहुत ध्यान से समझना बहुत ही शानदार है मैंने क्या बताया लोड लगता है फेलियर सीयर क्या है ये समझो जब तुम लोड ये लगा कि खींच रहे हो मेरे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखो फेलियर कहां हो रहा है क्या फेलियर इस सेक्शन पे हो रहा है नहीं सर, फेलियर किस सेक्शन पे हो रहा है सर फेलियर इस सेक्शन अच्छा फेलियर अगर इस सेक्शन पे हो रहा है लोड ऐसे लग रहा है हाउ कैन दिस पॉसिबल तो सर मैंने कहा क्या हुआ सर ये एंगल थीटा है मैंने कहा सर ये एंगल फोर्टी फाइव डिग्री है ध्यान से दूध सुनते रहो सर यहां ये सारी चीजें कंफर्मेशन करने के लिए हम चले गए कहा डेरिवेशन करने अब आपको तो पता ही है हम डेरिवेशन करेंगे ठीक है ना यहाँ हम क्या करेंगे बेटा डेरिवेशन करेंगे अब सुनो मेरी बात हमने क्या किया हमने सिर्फ एक एंगल माना ये थीटा अगर ये थीटा है बेचा तो तुम यहां एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लो अगर ये थीटा है ठीक है ना तो ये भी थीटा होगा ठीक है ना ये भी थीटा होगा अगर ये थीटा है तो जाहिर सी बात है ये नब्बे माइनस थीटा तो ये भी हो गया थीटा देखो ध्यान से एक बार एक बार ध्यान से देखो अगर ये थीटा है ये परपेंडिकुलर लाइन एक और परपेंडिकुलर लाइन खींचो ये थीटा तो ये भी थीटा और ये थीटा तो ये नब्बे माइनस थीटा ये अपने आप थीटा हो जाएगा यस और नो एंगल को सही से देखो थीटा एंगल समझ में आ रहा है एक बार बता दो मुझे एक बार थम्स कर दो मुझे थीटा समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में थम्स करोगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में थम्स करोगे सभी लोग बता दो जल्दी से जल्दी बता दो क्या थीटा तुमको समझ में आया क्या तुमको थीटा समझ में आया ये थीटा तो ये भी थीटा और ये भी थीटा होगा बताओ भाई बताओ भाई ये थीटा तो ये भी थीटा और परपेंडिकुलर से तो ये भी थीटा हो जाएगा यस yes, आ गया बहुत अच्छे समझ में आ गया समझ देखो ध्यान से अब मैं क्या करता हूं बेटा मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं इसीलिए मैं कह रहा था पहले सहमति ले लू अब देखो ध्यान से यहाँ क्या होगा बेटा यहाँ दो चीजें फॉर्मेशन होंगी इस पी का एक एंगल आ गया अब सोम में प्रिंसिपल स्ट्रेस पढ़ते हो अरे सर ऑब्लिक प्लेन पे लोड देखते हो हाँ सर तो कैसे लगाते हो सर इसका दो कंपोनेंट टूटेगा कौन सा कलर ले ले ग्रीन ले ले एक कंपोनेंट कुछ ऐसा और एक कंपोनेंट ऐसा पी का एक कंपोनेंट जो टूटेगा पी कॉस थीटा ठीक है और ये वाला टूटेगा साइन थे होगा पी कॉस थीटर यह होगा पी साइंथर देख लोटर देख लो ध्यान से क्लियर है ठीक अब मैं से पूछ रहा हूं, मेरे को बताओ फिर से बताओ कि ये टूटेगा किसमें टूटेगा टी वाले में फेलियर कौन सा है सर फेलियर तो यही है फेलियर तो ये मिनिमम टी है जी सर अब ये बताओ इसमें कौन सा लोड लग रहा है सर इस पे लग रहा है ना लोड पी थीटा अब मैं तुमसे पूछता हूं मेरे को यह बताओ कि इसको फेल करने के लिए यह लग रहा है जी सर अगर मैं इसको एक और ड्रॉ करूं एफ यही ड्रॉ करते हैं ना आज सिर्फ ड्रॉ करें अब देखो फेल इस सेक्शन में हो रहा है दिस इज थ्रोट थिकनेस टी अब मैं कह रहा हूं बेटा इधर लग रहा है पी थीटा। ठीक है पी थीटा और फेलियर। फेल से हो रहा और पी साइन थीटा कैसेल इसीलिए सियरिंग का भी बोला जाता है ध्यान रखना इसीलिए फेलियर इन सियरिंग भी अगर मैं कहने का देखो मकसद सिर्फ एक है मेरा कि अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन में टेंसाइल स्ट्रेस दिया है ऐसा नहीं है देखो अगर टेंसाइल स्ट्रेस दिया है तब तो तुम क्वेश्चन करो मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा यहां मैं कोई स्ट्रेस लिखूंगा भी नहीं यहां मैं बस स्ट्रेस इनटू लिखूंगा ठीक है ना या मैं टेंसाइल स्ट्रेस लिख देता हूं या कोई भी स्ट्रेस अगर होता क्या मैं आपको बताता हूं तो कभी कभी टेंसाइल स्ट्रेस ना देखे एग्जाम में क्वेश्चन में सीयर स्ट्रेस दे देता है क्या देता है बेटा सियर स्ट्रेस दे देता है अब होता क्या है सुनना मेरी बात सियर स्ट्रेस भी देता बच्चे परेशान कि यार क्वेश्चन आया ट्रांसवर्स का टेंसाइल स्ट्रेस देना चाहिए देता सियर है ऐसा क्यों हमारा क्वेश्चन तो टेंसाइल में सॉल्व होना चाहिए ना दे दिया टें तो घबराना नहीं एक बार गेट के एग्जाम में ऐसा किया गया एक दो बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है ठीक ना और ई के एग्जाम में तो कई बार मैंने देखा हुआ सो माय डियर फ्रेंड अगर आपको कोई भी स्ट्रेस दे आप सिंपल चुपचाप ले लेना चाहे टेंसाइल चाहे सीयर सीधा वही वैल्यू उठाकर रख देना दैट्स इट ठीक है ना सुनना मेरी बात क्योंकि टेंसाइल लोड लग रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेस तो जनरेट हो ही रहा है पूरे सिस्टम पे बट अगर मैं अंदर की तरफ जाऊं मतलब जहां से फेलियर हो रहा है अगर उसको सही से देखूं तो फेल हो रहा है पी साइन थीटा पे जो कि पैरेलल जो कि पैरललिंग्स हो रहा है इसीलिए मैं फेलियर बता रहा हूं आपको शेयरिंग ठीक है ना तो आप टेंशन मत लो ठीक है ना इस चीज को आपका शेयर स्ट्रेस भी हो सकता है और यहां टेंसाइल भी देखने को मिल सकता है ठीक है ना अगर मैं सिर्फ टेंसाइल पढ़ाता कल को सियर आ जाता आपके क्वेश्चन में ठीक ना कभी कभी आ जाता मैं फिर से बता रहा हूं अगर आ जाता तो फिर आप परेशान हो जाते आपको मैं वो गेट का क्वेश्चन लाकर मैं आपको दिखाऊंगा आया हुआ है ठीक है चलो तो बेटा फेलियर किसी में भी दिखा सकता है कोई भी स्ट्रेस दे सकता है आपको ठीक ना अगर मैं लेवल के अंदर जाऊंगा अंदर तक की अगर बात करूंगा तो इससे पी साइन आए बेटा यहाँ फेलियर होता है अच्छा अब एक और दो बातें ध्यान से थोड़ा सुनिएगा क्या हुआ विकास आप कहां से हैं? क्या हुआ विकास बताओ कोई दिक्कत है हम कहां से हैं? ये बताएंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा ये बता दो यस आई एम फ्रॉम इंडिया ठीक है देखो, देखो ये टी है और ये क्या है बेटा पी साइन थीटा देखो बेटा ध्यान से अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं दिस इज द टी इज द थिकनेस एंड उसी डिस्टेंस उसी डायरेक्शन में पी साइन थीटा ठीक है सर ये दोनों क्या है सर ये दोनों हमारा पैरल है You can see. Now, अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा फॉर मैक्सिम और मिनिम के लिए हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या बताया था यह एंगल हमारा एस है ये हमारा टी है ओके डन ठीक है सर और क्या, क्या क्या किया था देखो मैं पिछले वाले के से मैं सारी चीजें करूंगा देखो ध्यान से हमने और क्या क्या किया था सर हमने साइन रूल लगाया था अरे गजब बिल्कुल लगाओ ठीक है ना साइन रूल लगाने के बाद सारी चीजें की थी टी का रिलेशन निकाला था बिल्कुल निकालो ठीक है ना यू कैन सी दिस सारी चीजें निकाली थी टी बराबर एस अपॉन साइन थीटा प्लस कोस्ट थीटा था ना जी सर अब एक चीज ध्यान से सुनना मेरी बात टी बराबर एस अपॉन साइन थीटा प्लस कोस्ट आराम से कर डाले जी सर आप आराम से कर डाले बताओ हाँ या ना बताओ क्लियर है जी अब देखो ध्यान से जब अगर इसकी बारी आई तो यहां कैसे लगेगा लोड हमारा साइन के कंपोनेंट में जा रहा पी थी साइन थीटा हो रहा है तो बेटा टी और एस का जो कंपोनेंट बनेगा ना इस बार इस बार जो रिलेशन बनेगा जैसे पिछली बार बन गया हमारा इज इक्वल टू एस अपॉन साइन थीटा प्लस थीटा बनाना। बट इस बार जो बनेगा हमारा ट्रांसवर्स फिलेट में आप बकायदे डेरिवेशन के रूप में आराम से देख सकते हो इस बार ये साइन का कंपोनेंट दे रहा है जी सर इस बार ये साइन का कंपोनेंट दे रहा है तो इसमें एक और साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई सर ये कैसे हुआ अभी मैं बता देता हूं

मैक्सिमा और मिनिमा हम लोग क्या करते हैं रिलेशन जो है उस रिलेशन का क्या करते हैं डी अपॉन डी थीटा यहां क्या था यहां था साइन थीटा ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कॉस् थीटा इज इक्वल टू सिस्टम आ गया किसके बराबर जीरो के बराबर अब सुनो मेरी बात अब इसका डिफरेंशिएशन जीरो बराबर करके मैं थीटा एंगल निकाल रहा है हमारा एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है हमारे दो फंक्शन है एक ये फंक्शन एक ये फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो साइन का क्या होता है साइन का होता है कॉस थीटा एंड इस साइन का कर लिया एक का किया दूसरे को छोड़ा डिफरेंशिएशन तो ऐसे करेंगे ना प्लस आ, पहले को छोड़ा दूसरे क्या साइन का हो गया कॉस थीटा और कॉस का हो गया माइनस साइन इज इक्वल टू जीरो अब मैं आपसे कहता हूं जरा ब्रैकेट खोल दो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना थोड़ा ध्यान से देखो ये दोनों क्या है दो बार हो जाएगा टू टाइम्स हो जाएगा देख लो ध्यान से टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस जरा इनको ब्रैकेट में लिख लूं एक कॉस स्क्वायर थीटा बचा एक ये बचा इज इक्वल टू जीरो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस टू थीटा इज इक्वल टू जीरो बोलो हाँ या ना यस और नो नाउ अगर यहां से अगर मैं इसको इस साइड करके माइनस कॉस टू थीटा साइन टू थीटा डिवाइड बाय कॉस टू थीटा इज इक्वल टू माइनस वन इसको नीचे कर दिया इधर क्या बचा इधर बचा माइनस वन इज दैट क्लियर थिंग ये बन गया टू थीटा माइनस वन थोड़ा ध्यान से देखना ये टेन टू थीटा, ये टेन टू थीटा माइनस वन टेन वन, सो माइनस वन कितने एंगल पे आता है जरा निकाल के देख लो एक बार माइनस वन देख लो कितने एंगल पे आता है कितने पे आएगा सर वन थर्टी फाइव टेन वन थर्टी फाइव डिग्री टेन टू थीटर ना वी आर यू कैन सी दिस दिस इज टू थीटर सो थीटा इज सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव डिग्री देखो पिछले वाले क्वेश्चन में टू थीटर कोई रिलेशन नहीं था थीटा आया था और वहां प्लस वन आया था इसीलिए आंसर पैंतालीस था बट इस बार माइनस वन आया है आंसर क्या हो गया सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव डिग्री क्लियर तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसवर्स फिलेट किस एंगल पे जाता है सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव डिग्री पे फेलियर होता है ओके तो ट्रांसवर्स फिलेट का तो ये है बेटा अच्छा आपको मैं बताना चाहूंगा ट्रांसवर्स फिलेट की स्ट्रेंथ पैरेलल फिलेट से ज्यादा अच्छी होती है क्यों सर ऐसा क्यों बताऊंगा आगे अभी समझना अभी टाइम लगेगा ठीक है थीटा आ गया जी सर थीटा आ गया बेटा अगर थीटा आ गया तो चलो भाई स्ट्रेंथ देखते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसवर्स लैप क्या होगा भाई ट्रांसवर्स यहां कोई भी स्ट्रेस हो, तो हो सकता है अगर मैं यहां स्ट्रेस ले रहा हूं हो सकता है एग्जाम में सियरिंग स्ट्रेस आ जाए कोई दिक्कत नहीं है कोई जरूरत नहीं इन फेलियर एरिया ठीक है तो यहां घबराना नहीं कि सिग्मा टी क्यों लिख दिए स्टाउ टी क्यों नहीं लिखे क्यों नहीं लिखे सीर स्ट्रेस क्यों नहीं लिखे तो घबराओ मत एग्जाम में जो दिया रहे बस सीधा मल्टीप्लाई करो तुम परेशान एरिया क्या होता है टी एल होता है और क्या अच्छा बराबर सिग्मा टी टी क्या होता है सर टी होता है एस अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस थीटा। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने कि आप डिराइव खुद से करना हो आप पी और एस के बीच में रिलेशन इस बार खुद से निकालना पिछली बार ये आ गया जी सर ये हमारा है ट्रांसवर्स सीअरिंग स्ट्रेंथ सर सुनिएगा जरा ध्यान से इसमें हम लोग क्या करेंगे सेवन 67.5 डिग्री रख देंगे रखते हैं हाँ आइए बराबर साइन सिक्स फाइव डिग्री साइन सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव डिग्री प्लस इन एल क्या होगा रिलेशन क्या होगा रिलेशन देखो निकालो भाई अरे भाई कैलकुलेटर उठा लो ठीक है और वन अपॉन दिस जीरो पॉइंट एट टू एट ठीक है ना सिग्मा टी घबड़ाना नहीं सिग्मा टी की जगह आप लिख सकते हो टाव इन ट्वेल्व सो माय डियर फ्रेंड दिस इज द सिंगल ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ इनली फॉर सिंगल ट्रांसफर्सिंग पॉइंट बहुत सारे लोग ट्रांसफर्स पैंतालीस डिग्री लगा के पॉइंट सेवन जीरो रीजन मैं आपको बताता हूँ बेट सारी चीजें मिलेंगी सिंगल ट्रांसफर्स जी सर डबल ट्रांसफर्स का बताइए गुरु जी इंटू टू मार्ट वन पॉइंट सिक्स फाइव सिक्स मार्टी इंटू एस इंट ये क्या है जी सर दिस इज फॉर डबल ट्रांसफर्स जी ये सिंगल ट्रांसफर्स ये डबल ट्रांसफर्स यस बहुत अच्छे जबरदस्त हाँ ये तो दिख गया ना स्ट्रेंथ ज्यादा है जी सर अभी मैं आपको दिखाता हूं सही तरीके से अभी मजा तो अब आएगा देखो हाँ transverse transverse fillet strength is greater than पैरेलल फिलेट स्ट्रेंथ ठीक है सो माय डियर फ्रेंड यू कैन सी दिस ट्रांसवर्स फिलेट दिसवर्स जीरो पॉइंट यही था ना एट टू एट वाह सिग्मा टी इंटू एस इंटू एल इज ग्रेटर देन एस एल। अब थोड़ा मेरी बात सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते किसी को क्यों सर वाई बेटा आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते आप एक बार समझो मेरी बात बेटा यहां टाउ है बेटा यहां सिग्मा टी है ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते बट मैंने आपको क्या सिखाया है ट्रांसवर्स में यह सिग्मा टी टाउ भी बन सकता है कोई दिक्कत नहीं है तब आप कंपेयर करोगे जब सारे रंग रूप सेम होंगे ये टाउ एस एल ये टाउ एस एल माना जाएगा तब आप इससे इसको कंपेयर करके कहोगे कि यह ज्यादा है अगर कोई ऐसे कहता है कि नहीं यहां सिग्मा टी ही होता है सिग्मा टी ही होता है सिग्मा टी ही होता है और फिर कंपेयर कर, कर रहे हैं तो ये आप गलत कर रहे हैं आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं क्यों सर रीजन बेटा ये तो सिग्मा टी है इसकी कुछ और वैल्यू होगी ये तो टाउ है इसकी तो कुछ और वैल्यू होगी बोलो या ना तो बेटा आपको समझना है ट्रांसवर्स में सिग्मा टी और टाउ कुछ भी हो सकता है ठीक है ना अगर टाउ हो गया तो उस समय पे आप देख सकते हो स्ट्रेंथ इसकी क्या होगी ज्यादा होगी ठीक है ना ज दैट क्लियर इज दैट क्लियर बताओ इज दैट क्लियर या बट वी यूज बताता हूं क्यों यूज करते हैं गौरव गौरव बताता हूं यू कैन सी दिस 0.808 दिस 0.707 दिस नाउ माय डियर फ्रेंड चीज बताओ मुझे कि इन दोनों में इन दोनों में से ये मेरे को बस बताओ बस एक कॉमन चीज बताओ इन दोनों में से अच्छा कौन सा होगा स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा किसकी कम तो सर इसके ज्यादा एसपी कम तो डिजाइन किस पे करेंगे सर डिजाइन हम हमेशा मिनिमम पे करते हैं ध्यान रखिएगा डिजाइन ऑलवेज मिनिमम हम इसी पे क्या करते हैं सभी को डिजाइन कर देते हैं अगर मैं इस पे डिजाइन करूंगा तो पैरेलल फिलेट तो बेस्ट है अगर मैं इसी पे इसको भी डिजाइन कर दूं तो भाई मेरे ट्रांसवर्स होगा ही नहीं कभी लाइफ में ठीक है ना ध्यान रखिएगा ये रीजन है समझेगा ध्यान से और डिजाइन परपज डिजाइन और डिजाइन लिखो परपज हूं और डिजाइन सिंगल ट्रांसवर्स एंड डबल ट्रांसवर्स ठीक है क्या होगा जीरो पॉइंट सेवन और सेवन और डबल ट्रांसवर्स बिकॉज ये चीज क्या है मिनिमम है इसीलिए हम इसको यूज करते हैं और डिजाइन परपज वो थोड़ा सा बड़ा है उससे अच्छा होगा या इट्स मिनिमम इट्स मिनिमम ना तो फॉर डिजाइन पर्पस दिस वैल्यू इज मिनिमम दिस वैल्यू इज मिनिमम फॉर डिजाइन पर्पस दिस वैल्यू इज मिनिमम यस सर ओके, बिल्कुल सो माय डियर फ्रेंड एक्चुअल वैल्यू इसकी क्या है अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप कहिएगा एक्चुअल वैल्यू ऑफ दिस स्ट्रेंथ इज दिस बट फॉर डिजाइन हम लोग क्या करते हैं मिनिमम इज मैक्सिमम मिनिमम पे हम लोग क्या करते हैं डिजाइन करते हैं इज दैट क्लियर या वाहिद हसन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी होगा डियर बिल्कुल होगा डोंट टेक टेंशन पहले मशीन डिजाइन कंप्लीट हो फिर सोम देन क्लियर है सभी को थैंक यू वायद सो माय डियर फ्रेंड फॉर सिंगल ट्रांसफर फॉर डबल ट्रांसफर सेम फॉर्मूला फॉर पैरल फिलेट ऑल्सो फॉर पैरल फिलेट ऑल्सो सेम फॉर्मूला ओके सेम वैल्यू सेम फॉर्मूला फॉर पैरल फिलेट ऑल्सो ठीक है ना तो द एक्चुअल थिंग्स इज दिस सही चीज यही है ध्यान रखिएगा थैंक यू से दिस तो आपको ये जो है ना दिस इज द कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है ध्यान से ठीक ना ऐसा क्यों हुआ पूरा ध्यान से देखना क्लियर नाउ बात आती है कंबाइंड की अब आपसे क्वेश्चन में हो सकता है ठीक है ना आपसे एग्जाम में हो सकता है कंबाइंड का पूछे ठीक ना यू कैन सी दिस आपसे कंबाइंड का क्वेश्चन पूछे लेट सब सपोज क्वेश्चन ऐसे दे दे

आपको लिखना है तो टू इंटू पॉइंट सेवन ओ सेवन टाउ एस एल प्लस जीरो पॉइंट सेवन ओ सेवन सिगमा टी एस एल ओके दिस इज द टू टाइम्स सर टू टाइम्स दैट मींस वन पॉइंट फोर वन फोर टाउ एस एल ठीक है दिस दिस इज द टोटल स्ट्रेंथ दिस इज द टोटल स्ट्रेंथ कंबाइंड प्लेट अगर होगा तो घबराने की जरूरत नहीं दिस इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट और ज्यादातर क्वेश्चन गेट में कंबाइंड प्लेट का ही आता है ध्यान रखिएगा ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं this plus this this is the total strength okay so my dear friend yeah this is the total combined plate parallel fillet hai, then transverse fillet and this is the combined parallel and transverse one transverse two parallel so two parallel plus one transverse okay p means parallel p means transverse okay now question some objective questions in a transverse fillet welded joint the size of weld is equal to transverse fillet welded joint the size of weld is equal to what is the size of weld sir in the transverse fillet in the transverse fillet you can see this p is equal to 0.6 सिग्मा टी और टाउ एस एल ऑन द साइज ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइज ऑफ वेल्ट बताओ आंसर पहले बताओ कमेंट करो पहले मुझे पहले मुझे कमेंट चाहिए आंसर हा ट्रांसवर्स में पॉइंट सेवन ओ सेवन ही लेंगे होता पॉइंट एट टू एट है बट फॉर डिजाइनिंग दिस वन इज द मिनिमम वैल्यू दैट्स वाई वी आर यूजिंग पॉइंट सेवन ओ सेवन ओके क्रिश ओके फॉर ट्रांसवर्स पॉइंट सेवन ओ सेवन सिग्मी एस सर आशीष जस्ट वेट एंड वॉच से जस्ट वेट एंड वॉच विच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन सी दिस गौरव टू टाइम्स ऑफ थ्रोट ऑफ वेल्ड गौरव ये कैसे कह दिया डी कहां से कह दिया भाई मेरे डी कहां से कह दिया डी इज द रॉन्ग ना एंड ए इज द रोंग ना डी एंड ए इज द रोंग बी इंट सेवन और सेवन थ्रोट ऑफ वेल्ट दैट इज राइट इज़ द साइज ऑफ वेल्ड? द साइज ऑफ वेल्ड इज दिस थिंक, ओके साइज ऑफ वेल्ड साइज बोल रहा है ओके वेल्ड लेग लेंथ देखे थे जो हम बताए थे लेग ऑफ वेल्ड लेग ऑफ वेल्ड बताए थे ना बस वही देखना पॉइंट सेवन और सेवन to s trina throat of weld you can see this you can see this now next question the transverse fillet welded joint are designed for <laughs> transverse fillet welded joint are designed for tensile strength compressive strength bending strength shear strength देखो, कंप्रेसिव और बेंडिंग तो हो नहीं सकता कभी लाइफ में सर ट्रांसवर्स आया है तो पहले हम टेंसाइल को प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि टेंसाइल लोड लगता है। ठीक ना तो टेंसाइल फेलियर पहले होगा फिर जब मोलिकुलर लेवल पर जाकर हमने थ्रोट पे देखा तो हमें दिखाई दिया सियरिंग भी हो रहा है बट अपन किसको प्रायोरिटी देंगे टेंसाइल सियरिंग होता मना नहीं कर रहा हूं जहां थ्रोट कट करता है ना वहां सियरिंग दिखता है समा नहीं करना साइड और पैरल लोड ऑन द फिलेट ऑफ इक्वल लेग यू कैन सी दिस इक्वल लेग्स फॉर परफेक्ट वेल्डिंग फॉर परफेक्ट वेल्डिंग यू हैव अ इक्वल लेग्स द प्लेन ऑफ मैक्सिमम सियर अकर पैरल और पैरल फॉर पैरल आशीष सर एफ बोथ आर गिवेन वेट 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 आशीष बोथ आर गिवेन इन देर ऑप्शन पॉइंट सेवन जीरो सेवन पॉइंट एट टू एट सो माई डियर फ्रेंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना उसमें कहीं लिखा होगा और डिजाइन परपज क्वेश्चन आस्क फॉर डिजाइन परपज यू कैन क्लिक वॉट इज द रियल स्ट्रेंथ ऑफ यू आंसर गेट पॉइंट एट टू एट तब आप जाकर देखोगे पॉइंट जब क्वेश्चन ये नहीं लिखा हो, ठीक है ना और डिजाइन परपज मैंने किसी ने लिखा है फॉर डिजाइन डिजाइनिंग के लिए उसको हाँ इसका क्या होगा या डेली क्लास होती है डियर डेली नाइन थर्टी पी डेली नाइन थर्टी ए एम द क्लास इज डेली नाइन थर्टी ए एम आंसर इज सीना फोर्टी फाइव डिग्री वेरी गुड फोर्टी फाइव डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री वेरी गुड सी दिस दिस इज योर टास्क ये आपका क्या है बेटा ये टास्क है इसको थोड़ा ध्यान से देखो ये आपका टास्क है बेटा थोड़ा ध्यान से देखो शानदार टास्क है फटाफट कर लो ठीक है ना इस टास्क को आप करो इसको होमवर्क के रूप में मैं आपको देकर जा रहा हूं ठीक है ना अपन कल क्वेश्चन करेंगे कल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ध्यान रखिएगा ठीक है ना वेल्डेड ज्वाइंट में कल क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी पूरा फोकस से ध्यान रखना इज दैट क्लियर कल पूरा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम दिस इज योर होमवर्क अब आप सोच रहे हो को बड़े क्वेश्चन को होमवर्क में दिए गए हैं बेटा बड़ा क्वेश्चन इसलिए होमवर्क दिया एक बार आप ट्राई करो मैंने सारे फॉर्मूले दे दिए हैं एक बार आप ट्राई करो फिर मैं कल फुल बेस्ड इसी पे आऊंगा कल मैं फुल बेस्ड इसी पे आऊंगा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस ठीक ना देन उसके बाद बट वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे ठीक है सो डोंट टेक टेंशन और आज समय भी बहुत कम रह गया है ठीक है ना सो so, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं यू कैन सी दिस क्लियर ठीक है ना सो so, ट्रांसवर्स फिलेट को भी एक बार आप लोग लोग ध्यान से देख लेना ओके okay, इसके बाद बर्ड बर्ड हम पढ़ेंगे कैसे करते हैं क्या क्या होता है कितने टाइप का कुछ अदर ज्वाइंट पे भी आपको पढ़ाना है मुझे ठीक है ना सो इस चीज को ध्यान रखिएगा आप परम बैच स्पार्क वर्ग बैच लक्ष्य आरोहन बैच लक्ष्य आरोहन बैच आज से स्टार्ट हो रहा है बेटा चौदह तारीख मेटल कटिंग स्टार्ट हो रहा है बहुत ही शानदार तरीके से Evening PM. Evening आपका वो बैच स्टार्ट हो रहा है चौदह तारीख से और थ्योरी ऑफ मशीन जो है हमारा चल रहा है कंटिन्यूस ठीक है आज इसमें स्टार्ट हुआ फर्स्ट चैप्टर कम्प्लीसन के ऊपर था कम्पलीट हो भी गया है ठीक है ना तो आज हम बात करेंगे बेटा एनालिसिस की तो फटाफट सभी लोग जल्दी से जल्दी, जल्दी ज्वाइन कर लो क्योंकि आज ऑफर चल रहा है अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो गेट एंड ई एस कैटेगरी में जाकर ज्वाइन कर सकते हो देन यहाँ तीन तरीके का प्लान बारह महीने अठारह महीने और चौबीस महीने मिलेगा अगर आप आज सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा मंथ मिलेगा एक्स्ट्रा मंथ आपको फ्री मिलेगा ठीक है ना एक्स्ट्रा मंथ आपको फ्री मिलेगा अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो दिस इज माई कोड आलोक लाइव आलोक लाइफ कोड लगाकर आप फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हैं तो 24 मंथ एंड 12 मंथ का प्लान है हाँ लोक लाइफ कोड लगाइए एंड फटाफट ज्वाइन कर जाइए माय डियर फ्रेंड एंड 7.25 परसेंट फीस इंक्रीज हो सकता है जल्दी से जल्दी ये सूचना दोबारा आ चुकी है डियर अब पक्का हो जाए गारंटी है ठीक है इस को ध्यान रखना तो फीस बढ़ने वाली है जल्दी से जल्दी ले लीजिए ये ऑफर आपके लिए चल रहा है ऑफर आपके लिए चल रहा है डियर फटाफट ले लो बारह पे आपको देखने को सब मिल रहा है बेटा यू कैन सी दिस दिस इज द ऑफर

रात में दस बजे लेकर आ रहे हैं गियर एंड गियर ट्रेन का यू कैन सी दिस एंड दिस इज माई कोड आलोक लाइव यू कैन ज्वाइन दिस कोड आप हमारे साथ इस कोड पे ज्वाइन होकर प्लस पे ज्वाइन हो सकते हो डियर प्लस पे एक शानदार क्लास मिलता है लाइव टेस्ट सीरीज मिलती है वॉइस असिस्टेंट मिलता है आप हमसे बोल के क्वेश्चन पूछ सकते हो बेटा कोई डाउट नहीं है हर चीज को हो सकता है दिस इज माई टाइनी ऑयल जहां आपको सारे क्लास के लिंक मिलेंगे एक साथ एंड नाउ माई डियर फ्रेंड थैंक यू सो मच अगर अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट हमसे टेलीग्राम चैनल आलोक लाइव पे पूछ सकते हो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो आप हमारे साथ ज्वाइन होकर ले सकते हैं ठीक है ना तो फटाफट एक बार जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी सभी लोग फटाफट जाकर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अगर कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं ठीक है ना सो so, अगर आप ई लेने में कोई डाउट हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा कैसे लें ले डेबिट कार्ड नहीं क्रेडिट कार्ड नहीं फिर भी ई कैसे कर सकते हैं क्या कर सकते हैं क्या प्लान है कुछ है ठीक है ना पे बाई पार्ट का ऑप्शन क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे जो अभी पेमेंट के थ्रू आप कर सकते हो ठीक है ना अगर आप प्लान करते हो सब्सक्रिप्शन लेने का तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो ठीक है ना और अगर कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग एनी थिंग्स तो आप अनकेडमी टेलीग्राम चैनल आलोक लाइव पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो ठीक है ना सो टिल देन एंजॉय मिलते हैं अगर सेशन अच्छा लगा हो सेशन को लाइक करना सेशन को शेयर करना अपने दोस्तों के पास एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना मिलते हैं आपको कल की क्लास में सो टिल देन एन्जॉय भवाए तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत